आज हम सी लैंग्वेज में देखेंगे कि कैसे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट को यूज करते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है और प्री डिफाइंड करने से उसका क्या फायदा है, और कैसे एरे को में हम रीड करते हैं वैल्यू और कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं, उसमें कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एक से ज़्यादा सिंगल एरे को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हम आज वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीड और राइट पढ़ेंगे और सिंबॉलिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं ये देखेंगे। तो अभी तक आपको हम दो हेडर फाइल इंक्लूड करना बताते आए हैं, जिसमें है stdio.h, stdio.h, conio.h। आज हम आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करके बता रहे हैं। यहाँ पे जब डिफाइन करते हैं और जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है, तो कैपिटल में साइज लिख के 5 दिया तो सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन हो गया, दैट मीन्स कि एरे की साइज फिक्स हो गई। अब हम मेन में जाते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 लिया, इंट स्टूडेंट मार्क्स साइज करा और उसकी साइज को 5 साइज तक वो जब डिफाइन हो गया तो हमने लूप चलाया जिसमें यहाँ पे एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया। तो एरे डिक्लेरेशन भी आपको बता दिया। एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, अब एरे में वैल्यू हम कैसे डालते हैं। एरे के जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो 0 से डिनोट होती है, इसलिए हम लूप 0 से चला रहे हैं और साइज तक जाए, साइज से एक कम तक जाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 4 तक जाएगा और 5 वैल्यू हो जाएगी। आई प्लस प्लस करेंगे, प्रिंट एफ एलिमेंट नंबर परसन डी / एन आई प्लस 1। अब हम 1 by 1 नंबर डिस्प्ले करके कि कौन सा नंबर इनपुट होने जा रहा है, कौन सा नंबर हमें स्कैन करने जा रहे हैं एरे में, वो दिखाते हुए हम स्कैन करेंगे 1 by 1 5 नंबर, और उन पांचों नंबर को तो स्कैन एफ करके जब एम्परसन स्टूडेंट मार्क्स करेंगे तो स्टूडेंट मार्क्स जो है हमारा वो न्यूमरिक वैल्यू, इसलिए एम्परसेंट लगा है और ब्रैकेट में आई लगा लिखा हमने, जो पोजीशन आपका सबस्क्रिप्ट बता रहा है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मतलब पोजीशन जो एरे की होती है उसको इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्टूडेंट का नेम देंगे और आई पोजीशन बताएंगे तो उस पोजीशन पे जा कर के एक ही नाम से 5 वैल्यू डिफरेंट पोजीशन पे स्टोर हो जाएगी, जैसा कि हमने एरे में आपको बताया था। नाउ अब हम इस इन वैल्यू को करेस्पॉन्डिंग एरे वैल्यू को 1 by 1 डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें फिर से लूप बनाना पड़ेगा और फिर से लूप बनाएंगे और लूप में जा करके 1 by 1 इनको डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए लिखा आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज और आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। तो वो क्या करेगा, 1 by 1 इस एरे की वैल्यू को रीड करेगा और उसको प्रिंट करेगा। आई कॉमा यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू स्टोर्ड इन ए परसेंट। अब परसेंट देने का मतलब है कि किस पोजीशन पे वो वैल्यू आ रही है आपकी, और इस परसेंट फिर दिया जो स्टूडेंट की वैल्यू को, ये पोजीशन बता रहा है और ये बता रहा है कि हमारी क्या वैल्यू है एरे में। तो इस तरह से हम वैल्यू को डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट। ये देखिए उसने दिया नंबर 1 पे। अब यहाँ पर हम CLR SCR लगाना भूल गए, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं बाहर नंबर कुछ भी देकर और यहाँ पर CLR SCR लगाते हैं जिससे स्क्रीन पे क्लियर वैल्यू आए। तो हमने आपको बताया था कि डिफाइन करने के बाद वेरिएबल यहाँ पे CLR SCR लगाएंगे और सेव करेंगे और रन करेंगे। अब देखिए एक एरर आ रही है क्योंकि वो रिटर्न जो है आपका
यहाँ पे इंट स्टूडेंट मार्क्स डिक्लेरेशन सी एल आर एस सी आर नहीं ले रहा है, कोनियो डॉट एच तो लिए ही है। अच्छा ये डिफाइन बाद में है ना, इसको इस एक लाइन नीचे करना पड़ेगा। यहाँ से कट किया, डिलीट किया, हमने आपको बताया था कि उसके नीचे लेना पड़ता है तब वो करता है काम। अब आप रन करिए, ये चलेगा। ये देखिए, अब हम एंटर करेंगे वैल्यू। पहली वैल्यू मान लिया हमने 10 लिया, दूसरी वैल्यू 20 लिया, तीसरी वैल्यू 30 लिया, चौथी वैल्यू 40 लिया और पांचवी वैल्यू 50 लिया। तो ये देखिए पांचों वैल्यू को वन बाय वन देखिए पोजीशन बता रहा है। पहली पोजीशन 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो इस तरह से पोजीशन वो लेकर के और एरे की वैल्यू को एक ही नाम से डिस्प्ले कर रहा है। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम कैसे किसी एरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम बना है फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। अब यहाँ पे भी सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम 10 स्टूडेंट के में किसका मार्क्स सबसे अधिक है ये निकालना है इनको। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0, मैक्स इजकल टू 0 किया, स्टूडेंट मार्क्स साइज लिया, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस किया। अब यहाँ पे आए, एलिमेंट नंबर लिया, परसेंट डी किया, आई प्लस 1 किया, एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 50 लिया। आउट ऑफ 50 हम मार्क्स डाल रहे हैं स्टूडेंट का और उसमें किसका सबसे अधिक मार्क्स है ये निकालना है। यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट पेयर साइज हमने डिफाइन किया जो 10 डिफाइन किया है। स्कैन ऑफ परसेंट किया, स्टूडेंट का मार्क्स रीड किया, वन बाय वन स्टूडेंट का मार्क्स रीड हो जाएगा। अब मार्क्स को हम कौन सा मैक्सिमम मार्क्स है कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लूप में जाएंगे और फाइंड करेंगे मैक्सिमम मार्क्स। पहले लूप में एंटर करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे स्टोर्ड वैल्यू को, फिर उसके बाद मैक्सिमम निकालेंगे। उसके लिए चेक करना पड़ेगा इफ स्टूडेंट मार्क्स आई इज ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स आई। तो एरे में जो वैल्यू है पहली पोजीशन पे आपकी जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम से कंपेयर होगी। अब मैक्सिमम हमने सबसे पहले 0 ले रखा है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 0 ले रखा है। तो पहली वैल्यू जो भी आएगी वो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि पहली वैल्यू तो वो मैक्सिमम से ज़्यादा ही होगी। तो जब उसमें वो स्टोर हो जाएगी तो फिर लूप में जाएगी ऊपर। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू कंपेयर होगी, क्योंकि पहली वैल्यू मैक्सिमम में आ चुकी है। तो अगर पहली वैल्यू छोटी होगी तो दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर तीसरी वैल्यू लेगा, चौथी वैल्यू, इस तरह से 10th वैल्यू तक जाएगा और जो सबसे अधिक मार्क्स होगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा। अब उस मैक्स स्टोर वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, इसको सेव कर दें और रन कर दें। अब हम 10 मार्क्स वन बाय वन, अभी भी एक एरर दे रहा है, क्या चीज छूट गया। मैक्स तो लिया है, प्रिंट एफ में पी बड़ा है। वो जो हमने आपको उस दिन बताया था कि प्रिंट एफ में कभी भी पी बड़ा नहीं होना चाहिए, तो प्रिंट एफ में पी बड़ा कहाँ पे है, सब जगह तो ये रहा, इसको पी छोटा कर दीजिए, अब रन होगा। अल्टर एफ प्लस अल्टर आर, अब देखिए एंटर द मार्क्स आउट ऑफ
50, अब हमें 10 मार्क्स 1 by 1 देने हैं, तो हमने आउट ऑफ 50 35 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 45 दे दिया, 50 दे दिया, 40 दे दिया, 10 दे दिया, 25 दे दिया और 24 दे दिया। अब 10th वाला मार्क्स क्या दे दें हम, 44 चलिए दे देते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा 50 उसने ले लिया, उसने जो चेक किया तो 50 सबसे बड़ा था तो उसने 50 प्रिंट कर दिया। अब इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज, लेकिन इस बार हम एक एरे की जगह कई एरे लेंगे। क्यों है कई एरे लेंगे, क्योंकि हम लोगों को कई मार्क्स में कई स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना है। तो फाइंड करेंगे एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे साइज फिर डिफाइन किया, लेकिन स्टूडेंट मार्क्स 1 स्टूडेंट मार्क्स 2 दो एरे ली, उनको टोटल किया तीसरे एरे में और चौथे एरे में उसका एवरेज निकाला। तो अब यहाँ गए एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट और यहाँ पर हम लोग CLR SCR कर लेने तो हर बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर पोनियो डॉट एच कर लीजिए, हैश इंक्लूड CONIO पोनियो डॉट एच। यहाँ पर साइज 3 लिया, मतलब 3 सेल बनेगी तीनों चारों एरे में। तो 4 सिंगल डायमेंशन एरे ली और 3 स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स निकाला। तो यहाँ पर 3 साइज नहीं, देखिए 3 स्टूडेंट्स का निकालना है। तो यहाँ पर एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स में से सब्जेक्ट को डाला स्टूडेंट नंबर परसेंट डी i+1 बता रहा कि फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स लिया, एंटर द मार्क्स किया और स्टूडेंट मार्क्स 1 आई दिया। पहले स्टूडेंट का मार्क्स डाला, फिर दूसरे का डाला, फिर तीसरे का डाला। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट के लिए मार्क्स के लिए हम दूसरे सब्जेक्ट में तीनों स्टूडेंट का मार्क्स डालेंगे। मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश था, तो हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स तीनों स्टूडेंट्स के जब हमने डाल दिए तो उसका टोटल निकाला। अब टोटल मार्क्स i = स्टूडेंट मार्क्स 1 और स्टूडेंट मार्क्स 2 होगा, तो उस स्टूडेंट का पर्टिकुलर स्टूडेंट का टोटल आ जाएगा। अब उस टोटल को हम डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है। अब प्रिंट स्टूडेंट नंबर परसेंट डी एवरेज परसेंट / n i+1 एवरेज आई लिया। i+1 बताएगा कि किस पहले स्टूडेंट का परसेंट डी में i+1 में पहले स्टूडेंट का एवरेज कितना और दूसरे स्टूडेंट का एवरेज कितना है। तो इस तरह से अब इसको हम रन करते हैं, पहले सेव कर दें क्योंकि हम लोगों ने कुछ चेंज किया है, और फिर उसके बाद रन करते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट नंबर 1 एंटर द मार्क्स। अब हमने मान लीजिए 50 में से उसको 45 दिया, 35 दिया और 30 दे दिया। दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स लिया, 50 ले लिया, 45 ले लिया और 40 ले लिया, कुछ भी ले लें हम। अब इसका देखिए एवरेज मार्क्स आ गया, पहले स्टूडेंट का 47%, दूसरे का 40% और तीसरे का 35%। तो इस तरह से हम चार एरे को यूज़ करके पहले 2 में मार्क्स डालेंगे, दूसरे में टोटल करेंगे और तीसरे में टोटल करेंगे एरे में, और चौथे में एवरेज मार्क्स निकाल करके डिस्प्ले कर देंगे। अगर आपको टोटल भी डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर आप टोटल भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एवरेज के बाद टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल इक्वल्स टू परसेंट एफ
और यहाँ पर आई प्लस वन के बाद आपको लिखना पड़ेगा कॉमा टोटल मार्क्स और आई और कॉमा, और यहाँ पर वो ये नहीं दिखा रहा था कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दें आप, तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं, जो तो जुड़ के आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी स्पेस दे दें। और ये हो गया ऊपर, ये हो गया मार्क्स दिया, परसेंट एफ किया, यहाँ पर सबसे पहले बैक स्लैश एन लगा दें तो दूसरी लाइन पे चला जाएगा, नहीं तो मिक्स हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा से स्पेस ले लें, यहाँ पर भी थोड़ा से स्पेस ले लें, यहाँ पर भी थोड़ा से स्पेस ले लें। स्पेस लेने से क्या होगा, प्रॉपर ढंग से दिखेगा। अब इसको सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। अब देखिए टोटल भी वो डिस्प्ले करेगा। अब देखिए स्टूडेंट नंबर वन एंटर मार्क्स, मान लीजिए 45 लिया, 35 लिया और 45 फिर ले लिया। अब दूसरे का लिया 35, 25, 50। तो अब ये देखिए पहले का टोटल उसने 80 दिखा दिया, 80 बाई 2 40 हो गया, दूसरे का 60 आ गया दूसरे स्टूडेंट का, और तीसरे स्टूडेंट का 95 आ गया। तो इस तरह से तीनों स्टूडेंट के टोटल आ गए और उसका एवरेज आ गया। तो आप कई एरे यूज़ करके जो काम कर रहे हैं वो हम डबल डायमेंशन में आपको बताएंगे, तो सिंगल एरे से आप यूज़ करके इसी काम को कर पाइएगा। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, थैंक यू। And please subscribe and watch and ask the question if any you want to ask me. Thank you.